नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ पिंकेश और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ SBI कार्ड्स की जानकारी। दोस्तों, इसका शेयर जो कि लगातार गिरते चले जा रहा है और 52 वीक लो इसका पहुँच गया था दोस्तों 501 रुपये पर, और अभी ये शेयर आ गया है 530 रुपये पर। आप में से बहुत सारे लोगों ने SBI कार्ड्स के IPO के लिए अप्लाई किया होगा, जहाँ पर इसका इशू प्राइस 755 रुपीज़ का था, लेकिन दोस्तों ये डिस्काउंट पर ओपन हुआ और आप जानते हैं उसके बाद 769 पर ये पहुंचा। लेकिन दोस्तों उसके बाद इसकी हालत जो है ख़राब होती चली जा रही है। इवन 13 अप्रैल को जो है हमें 13 से 15% इसमें फॉल भी देखा। अब ऐसे केस के अंदर में कंफ्यूजन में है सब लोग कि SBI कार्ड में क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम इसके रेवेन्यूज़ की। तो हम इसके रेवेन्यूज़ जो है लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो ये पास्ट में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों। अगर लेटेस्ट हम फिगर की बात करें तो 9 मंथ्स का 31 दिसंबर 2019 कंसिडर करते हैं तो 1161 करोड़ रुपीज़ का इसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो इसके रेवेन्यू में जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा है, CAGR 44.6% का। और दोस्तों इसके प्रॉफिट्स में आप देखेंगे तो CAGR 52% का ग्रोथ दिख रहा है, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। ये काफ़ी बेहतर कंपनी के रूप में जो है सामने आने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन दोस्तों COVID-19 पैंडेमिक और उसके लॉकडाउन की वजह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा असर इस कंपनी के बिजनेस में पड़ सकता है, उसके रेवेन्यूज में प्रॉब्लम जा सकता है, बिकॉज रेवेन्यू नहीं आएगा, प्रॉफिट घट सकता है उसका, साथ ही साथ जो है उसके प्रोविजंस भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी का ROA यानी कि अगर आप देखेंगे रिटर्न और नेटवर्थ जो है, दोस्तों माफ़ कीजिएगा, रिटर्न और नेटवर्थ काफ़ी अच्छा रहा है। आप देख सकते हैं 9 मंथ्स का इसका रिटर्न और नेटवर्थ 24% का है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से जो है कंपनी ग्रो की है, नो डाउट अबाउट इट। अगर इसका आप IPO भी देखेंगे दोस्तों, तो IPO 26 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। हर कैटेगरी के अंदर में आप देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में तो वहाँ पर भी 57 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन। आप नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में देखेंगे तो वहाँ पर भी 45 टाइम्स जो है ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। अब दोस्तों यहाँ पर जो सेलिंग हुई है, जो आपने फॉल देखा है बहुत ज़्यादा वाला, तो मैं आपके सामने कुछ फिगर्स लेकर आना चाहता हूँ दोस्तों। हम देखेंगे कि किस तरह से सेलिंग हुई है, कहाँ कहाँ हुई है, तो आप थोड़ी जो है यहाँ पर आपके लिए जो है उम्मीद बढ़ेगी दोस्तों, बिकॉज आप में से कई लोग हैं जिन्होंने पहली बार IPO में निवेश किया होगा। और लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तो उस वीडियो के अंदर में मैंने कहा था कि ये गिर रहा है तो गिरते रहने दीजिए, हम बाद में देखेंगे कि इसको एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पहले स्टेक था दोस्तों लिस्टिंग होने के पहले 3.53% का, और आप देख सकते हैं दोस्तों इंडिविजुअल्स का आप देख सकते हैं 5.53 यहाँ पर दिख रहा है और 1.8 दिख रहा है। तो आप देखिए दोस्तों अभी जो लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग हुई है 31 मार्च की डेट की, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए हैं 4.07%, और आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स देखेंगे दोस्तों 5% और 0.5%। मैं पहले फिर से दिखा देता हूँ दोस्तों, 5.53 था इंडिविजुअल्स, अब हो गया है दोस्तों ये 5%। इसका मतलब है इंडिविजुअल्स ने यहाँ पर शेयर्स बेचे हैं, और किसने लपके हैं दोस्तों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने। तो आप समझ सकते हैं ये अपने शेयर्स बेच रहे हैं और ख़रीद रहा है सस्ते में, कौन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। और यहाँ देखिए दोस्तों 2 लाख से ज़्यादा एक्सेस वाले शेयर्स जो है, पहले इसकी काउंटिंग थी 1.8%, अभी हो गई है 0.57%। तो दोस्तों इसका मतलब HNIs ने यहाँ पर जो शेयर्स फ्री हो गए उनके, उसको भी बेचा है। अब दोस्तों कंपनी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के पास तो रेटिंग्स काफ़ी अच्छी अवेलेबल है, नो डाउट अबाउट इट। तो काफ़ी अच्छा जो है इसके पास कैपिटल एडिक्वेसी वगैरह है, या फिर रिटर्न ऑन असेट बोल दीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी बोल दीजिए, काफ़ी अच्छा है। अगर हम कंपनी के RSI की बात करें तो यहाँ पर ये न्यूट्रल दिखाता है हम लोगों को। तो दोस्तों यहाँ इस केस के अंदर में आप देखेंगे कि ओवर सोल्ड भी दिखा रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फॉल आया है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या इस कंपनी में जो है अभी सिनेरियो के अंदर में जो है एवरेज करना बनता है कि नहीं, नया निवेश करना बनता है कि नहीं। तो ये जितने भी पैरामीटर्स है ये हमको बताते हैं कि कंपनी स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये कंपनी नीचे तो आ रहा था इसका शेयर, यहाँ वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया 13 अप्रैल का, जहाँ पर ये डाउन हुआ था।
अब दोस्तों देखिए, ये न्यूज़ भी उस दिन की आई थी कि SBI कार्ड स्लिप्स 13% हिट्स न्यू लो, स्टॉक डाउन 32% फ्रॉम द इशू प्राइस, 32% तक डाउन हो गया है। काफ़ी सारे लोगों का 755 का लिया हुआ है, तो हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ का जो EPS है, आप देखिए दोस्तों, इसका 31 दिसंबर का जो EPS है 12.45 है, उसके हिसाब से इसको वैल्यूएशन जो है 55 टाइम्स PE के हिसाब से मिल रहा था। तो वहाँ ऐसा समझा जा रहा था कि इसकी लिस्टिंग 300-350 पॉइंट्स ऊपर होने वाली है। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि ये PE तो मेंटेन करना, सॉरी ये EPS जो है दोस्तों, EPS है ये EPS मेंटेन करना तो मुश्किल दिख रहा है दोस्तों। और इसकी वजह से हो सकता है दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यूएशन है, अगर इसको आप अराउंड 20-25 टाइम्स करेंगे तो प्रेजेंट प्राइस जो है यहाँ पर निकल के आपके सामने आएगा दोस्तों। तो ऐसे केस के अंदर में यहाँ पर वैल्यूएशन अगर इस पर्टिकुलर EPS के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये वैल्यूएशंस ऐसे दिख रहे हैं, मानो बजाज फाइनेंस का आप अभी अगर आप PE देखोगे तो वो 27 पर आता है, और जो अपने हाईएस्ट पे ट्रेड कर रहा था तो 57 के करीब करीब PE आ रहा था। तो यहाँ पर मार्केट उसको जो है 27 PE पर आ रहा है, और जैसे कि एक्सपेक्टेशन है, अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं आता तो 57 के PE पर जो है उसको लेकर जाया जा सकता था, यानी उसका प्राइस अराउंड 1000 रुपीज़ का जो है माना जा रहा था, अगर कोविड पेंडेमिक नहीं आया रहता था। तो दोस्तों इसका मतलब ये शेयर एक प्रकार से 50% डिस्काउंट पर भी मिल रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसकी कैपिटल एडिक्वेसी की, 31 दिसंबर 2019 का ऐसा कैपिटल एडिक्वेसी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं 19.2, और टीयर वन कैपिटल 15.4 है, जो ये कंफर्टेबल दिखता है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिखती है इस कैटेगरी की कंपनी के लिए। और इसके पास में जो रेटिंग्स अवेलेबल है वो भी काफ़ी अच्छी रेटिंग्स अवेलेबल है। दोस्तों हम लोग जानना चाहेंगे कि कंसर्न्स क्या है। दोस्तों देखिए, कंसर्न्स तो पहली कंसर्न्स तो सबसे बड़ी ये है कि कोविड पेंडेमिक की वजह से सेल्स इनका जो है, इनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ कंसर्न्स है जो मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। जो इन्होंने कहा था दोस्तों, 98.6% का इनका अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है, और यहाँ पे NPA होने की चांसेस पूरी पूरी बढ़ जाती है। और इनका NPA देखिए दोस्तों, ग्रॉस NPA आप देखेंगे 2.34% है, तो ये शूटअप हो सकता है, 5-6% जा सकता है, और अगर सिचुएशन और ख़राब हुई तो ये 10% तक जा सकता है। बिकॉज यू नो, अब काफ़ी सारे लोगों को जो है नौकरियों से निकाला जा रहा है, ऐसी कुछ बातें सुनाई में आई थी। इवन ऐसा भी हो सकता है कि उनको जो है जॉब कट्स मिले, तो यहाँ पर ये NPA जो है बढ़ने की चांसेस हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कंपटीशन बढ़ता जाएगा, ये नंबर टू पर आते हैं, तो HDFC कंपटीशन देता है। खासकर आप देखेंगे ICICI बैंक जो है बहुत कंपटीशन दे रहा है, एग्रेसिवली वो लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स को पुश कर रहे हैं। अब जब मार्केट श्रिंक हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो ऐसे केस के अंदर में अगेन जो है यहाँ पर जो है सेलिंग का दिक्कत जाएगा, तो इसका जो है रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस पर दिख रहा है। अगर बात करते हैं दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट द NPAs एंड ऑल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अवर प्रोविजन्स फॉर द क्रेडिट लॉसेस मे प्रूव टू बी इनसफिशियंट, तो इनका कवरेज जो है दोस्तों 67% का है। अब इसे प्रोविजन्स बढ़ाने पड़ेंगे तो प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं, हो सकता है पहला असर आपको 31 मार्च को ही इसका दिख जाए। और दोस्तों ऐसे कंसर्न्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो इनके नेट NPAs है, आप इनके नेट NPAs देखेंगे तो 0.83% आप देखेंगे नेट NPAs, मैं थोड़ा अगर गलत नहीं हूँ तो यस, ये जो है 0.83% का इनका नेट NPA है। और दोस्तों आप बंधन बैंक वगैरह में देखेंगे तो सेम आपको जो है NPA देखेंगे। माइक्रो फाइनेंस में उनका भी बिजनेस जो है अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो के अंदर में है, तो आप समझ सकते दोस्तों ये अगर बढ़ जाता है तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें इनका जो एक्सपोज़र है, मैक्स टू मैक्स जो इनका एक्सपोज़र आप देखेंगे तो 8 मेट्रो सिटीज़ के अंदर में आता है लगभग 42%, और आप देख सकते हैं टीयर टू सिटीज़ के अंदर में भी ये अराउंड 18% आता है, 60% इनका काम आता है मेट्रो सिटीज़ से। तो इसका मतलब अगर लॉकडाउन बढ़ता है, और आप देख चुके हैं कि टायर टू सिटीज़ और टॉप 8 मेट्रो सिटीज़ के अंदर में आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा इनके कस्टमर्स है, स्पेंडिंग यहाँ से सबसे ज़्यादा होती है, लॉकडाउन वहाँ पर बढ़ने वाला है, केसेस वहाँ पर ज़्यादा है, तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट इनके बिजनेस के अंदर में पड़ने वाला है। सो इन ऑल दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है
कि अगर आपका 755 रुपीस में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है ऐसा आईपीओ, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है इसको एवरेज करने का, लेकिन और दो तीन मौके जो है मुझे ऐसे लगते हैं कि आ सकते हैं एवरेज करने के। शायद ये जो है 500 रुपए के और नीचे जाए, लगभग 400 साढ़े 400 के बीच में ही आता है, तो मैं यहाँ पर एडिशन करना चाहूँगा। अदरवाइज़ मेरा इसका जो सिनेरियो है, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कंपनी के रिस्पेक्ट में, आई एम नॉट निगेटिव अबाउट द कंपनी। कंपनी काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों यस, यहाँ पे जो शेयर प्राइस में आपका जो इन्वेस्टमेंट वापस आने की उम्मीद है, जितने भी सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं उसमें टाइम ज़रूर लगेगा। यहाँ पर आप एक छोटा सा जो है एवरेज कर सकते हैं, आप अपना एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर ही गेम है, मैं इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर एवरेज किया जा सकता है। और आप एक और लेवल के लिए तैयार रहिए कि अगर ये शेयर नीचे आता है, अगर ये शेयर जो है 500 रुपये के नीचे आता है और मे बी 450 रुपये तक जाता है, तो नेक्स्ट आप जो है एवरेज कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों अभी जो पी ये दे रहे हैं लगभग 27 रुपीस के करीब का, 27 टाइम्स के करीब का जो है पी यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसे केस में अर्निंग्स कम होगी तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बिकॉज इनका 98% पोर्टफोलियो अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इसी तरह के और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी यस बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।